हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा भैया। आपका आज स्पिरिचुअल इंटरव्यू लिया जाएगा, तो आप प्रिपेयर हैं उसके लिए? प्रिपेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए दोनों को साथ बैठाया था, क्योंकि आंसर तो एक ही मिलना है, तो दूसरा इंटरव्यू कंडक्ट करने का फायदा क्या है? हाँ, तो भक्ति की आप परिभाषा बताइए। आप भक्ति करते हैं, आप भक्त हैं, आपने कंठी माला इतनी सुंदर धारण की है दोनों ने। भक्ति प्रेम होता है परमपिता के प्रति। भक्ति अनकंडीशनल लव होता है गॉड के प्रति। जैसा भाई ने बताया, उसको एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम नवदा भक्ति में 9 तरीके देखते हैं भक्ति को एक्सप्रेस करने के, अपना अपना प्रेम भगवान के प्रति एक्सप्रेस करने के लिए। वो भक्ति के पथ पे कब से आए आप लोग? भक्ति पथ पे जब से, जितना मेरे को याद है, जब से बचपन का, जितना पूरा ही बचपन मेरा भक्ति में निकला। सॉर्ट ऑफ बचपन का एनवायरनमेंट पूरा भक्ति से स्टार्ट हुआ था। लड्डू गोपाल जब आए थे, जब मैं 7 साल का था ऑलमोस्ट, उसके बाद से हम सेवा करने स्टार्ट कर दिए थे। ये माहौल ही था बचपन से हमारा, कुछ ऐसा नहीं था कि हमें भगवान के बारे में पता लगा और उसके बाद हमने शुरू किया। ये हमारा बचपन से यही ट्रेडिशन है सॉर्ट ऑफ। जन्म में तो बचपन से जो देखा वो देखा, वो देख एक तो नॉलेज एक्वायर करने की क्यूरियोसिटी होती है कि और क्या सीखने को मिलेगा, और क्या सीखने को मिलेगा। और घर पे जिस चीज का एनवायरनमेंट होता है, जो नॉलेज बनती होती है, माता रानी जो जो बोल रही होती है, सुना रही होती है, वो नॉलेज जाने अनजाने दिमाग के अंदर जाती रहती है। उससे ये समझ में आया कि ये याद रखना है, ये समझना है कि प्रेम किससे करना है। तो आप बच्चे ही थे, ये कह सकते हैं आप बच्चे ही थे जब से आपके आपका वातावरण ये नॉलेज एक्वायर करने वाला ही है। यू कैन से कि हमने भक्ति में आए, भक्ति हमारी लाइफ में आ गई। हमने चूज नहीं किया था भक्ति को, भक्ति ने हमें चूज किया सॉर्ट ऑफ पूरी लाइफ। तो वो आपके लिए, भक्ति ने आपको चूज किया, आपने नहीं भक्ति को चूज किया। तो वो कहीं किसी समय किसी पल आपके लिए प्रेशर तो नहीं बनी? कभी ऐसा तो नहीं लगा कि ये हमारे लिए प्रेशर है, हमको नहीं करना ये भजन भक्ति? इट वॉज टू मच फ्लुएंट। कभी भी कोई भी स्टेप ऐसा नहीं था कि कोई हार्डर लग रहा है। सारे स्टेप बहुत इजीली होते गए एकदम बिना किसी दिक्कत। डिफिकल्टीज तो डिपेंड करता है कि कौन की सिचुएशन को कैसे परसीव कर रहा है। अब डिफिकल्टी, मोस्ट डिफिकल्टी किसी को उस चीज में आती है कि व्हेन समवन ट्राइज टू लिव बाय देमसेल्फ, और तब खाने पे हम किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, तब डिफिकल्टी, मेजर डिफिकल्टी आती है। क्योंकि सबसे बड़ी ऑस्टेरिटी होती है जीवा को कंट्रोल करके रखना, और मैंने ऐसा सुना है माता रानी बताया है, जीवा को कंट्रोल करके रखने में जो डिफिकल्टी आती है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे परसीव कर रहे हैं। मैंने उसको डिफिकल्टी की तरह परसीव किया कि मैंने परसीव किया कि हाँ ठीक है, तो ये तो नॉर्मल ही है, ये तो होगा ही। इफ आई वॉन्ट टू डू दैट ऑस्टेरिटी, ये तो फेलना ही पड़ेगा। व्रत होता है तो हमको ऐसा होता है कि हाँ आज तो एक अच्छे प्रसाद के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, आज हमको कोई अनाज और पिज्जा और पास्ता खाने को नहीं मिलेगा, फलों पे ही चक्कर। हर बार एक अच्छी आती ही है जैसे, वैसे हमेशा वो ऑस्टेरिटी फॉलो करनी होती है। उसमें पर्सपेक्टिव का डिफरेंस रह जाता है। मेरे को वो, मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा कभी था ही नहीं कि वो मेरी डिफिकल्टी चल रही है, इसलिए मेरे को भी लगी नहीं। तो बचपन से ही कह सकते हैं कि ये नेचुरली आपके अंदर इंस्टिंक्ट था कि आपको जो जो पथ प्रदर्शन किया जा रहा है उस पर आपको चलना ही। There was no pressure. In fact, बचपन में आपने बोला भी था जब आप स्टार्ट किए थे कि मैं इस भक्ति पथ पे जा रही हूँ, जिसको मेरे साथ आना है वो आ जाओ, जिसको छोड़ना है उसको प्रेशर भी नहीं है, हम कर लिए बस हो गए, साथ में आ गए। और जहां तक भक्ति पथ में ऑब्स्टेकल की बात है, सबसे बहुत सारे भक्तों को आता है ऑब्स्टेकल के प्यार लहसुन छोड़ने का। ये ऑब्स्टेकल तो हमारे लिए कुछ था ही नहीं। फर्स्ट डे जब आपने बिना प्यार लहसुन खाना बनाना शुरू किया, हमें कोई डिफरेंस लगा ही नहीं ज्यादा। हमारे लिए बहुत ईजी था, चार नियम पालन करना, ये सब स्टार्टिंग से इजी था। तुम लोग छोटे बच्चे थे शायद, इसलिए वो इजी था क्योंकि वो मोल्ड हो गया ब्रेन उसी तरीके से, छोटी एज में जल्दी मोल्ड हो जाता है ब्रेन, इसलिए शायद। और मुझे खाना बनाना आ गया था समय के साथ, तो इसीलिए भी मेरे को रिलेटिव का प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत लोग को क्या रहता है हॉस्टल में, मेरे साथ साउथ इंडियन था, आंध्र प्रदेश का था, तो चार नियम पालन करता था हॉस्टल आने से पहले। हॉस्टल आने के बाद उससे नहीं हो पाया, क्योंकि वो बोलता था मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं अपना खाना कैसे बनाऊं, पता रहने के लिए तो खाना पड़ेगा ही। तो एक ये चीज हेल्पफुल थी मेरे लिए पर्सनली, अपना खाना खुद बनाना आता है तो फिर नहीं होती। तो कई बार सैक्रिफाइस भी करने पड़े होंगे इस चीज को लेके आपके हॉस्टल में, आपके बचपन में? आप लोग को कुछ ना कोई इंसिडेंट ऐसा याद है जिसमें आपको यहाँ सैक्रिफाइस या कुछ अपने आप को अलग पाया भीड़ से?
मैं भीड़ में शामिल नहीं हूँ, मैं भीड़ से अलग हूँ। नहीं मैं मतलब मुझे ऐसे कभी फील नहीं होता मैं भीड़ से अलग हूँ। हाँ लोगों को लगता होगा, लोग आके बोलते थे अरे तूने कभी चिकन नहीं खाया, तुझे पता नहीं क्या मिस कर रहा है जीवन में, चिकन नहीं खाया तो जिंदगी बर्बाद है तेरी। मुझे लगता था कि आगे भी तुम्हारी बर्बादी होगी, तुम पास उखाड़ नहीं रहे। मेरा प्राइमरी में और सेकेंडरी में जनरली ऐसा सीन रहता था कि लंच टाइम में सारे दोस्त एक साथ एक डेस्क पे बैठ के खाते थे और जनरली सब लोग अपना लंच शेयर करते थे और आई वॉज द ओनली गाय जो अपना लंच अकेले खा लेता था पूरा और शेयर नहीं करता था। तो कई बार ऐसा भी होता था कि बाकी दोस्त लोग मेरे से मांग लेते थे, मैं उनको दे जरूर देता था और वो भी ऐसे चम्मच में उनको हाथ में बिना टच किए तो वो उनको कभी अजीब लगता है कभी कभी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम ग्रुप से अलग हो गए इस चीज को लेकर। कभी नहीं, बदबू आती है हमेशा, बदबू आती बचपन से। चौना का तो बचपन का वो इंसिडेंट, बचपन का भी नहीं है, अभी कुछ पिछले 2-3-4 साल पुराना इंसिडेंट है। सब्जी की दुकान में घुस के वो बोल रहा है मम्मा ये व्हाइट कलर की सब्जी बहुत अच्छी लग रही है ये ले लो ना। तो उसको तो पता भी नहीं था कि ये लहसुन ऐसा दिखता है, ये लहसुन होता है जो हम नहीं खाते हैं। तो वो इतना छोटा था कि उसको तो पता भी नहीं था कि लहसुन और प्याज होता क्या। जहाँ पे कुछ भी खाने की स्मेल आती है चिकन लग रहा है, कहीं प्याज की स्मेल आ रही है। ये रोस्टिंग सेशन हो रहा है क्या यार, यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है? नहीं ये तो आपकी सीनियरिटी दिखाई जा रही है, आप कितने सीनियर हो कि आप पैदा हुए उस दिन से ही आपको पता ही नहीं है लहसुन प्याज होता क्या है। अब मुझे ये जानना है कि आप जो ये गले में कंठी धारण करते हैं इसके लिए कभी आपको कुछ फेस करना पड़ा कोई फैकल्टी से, कोई स्कूलमेट से या किसी से, इसकी तरफ से कोई कमेंट या कोई टीका टिप्पणी? टीचरों को तकलीफ हो जाती थी लेकिन फिर आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं बोलता था मैम बात ऐसी है कट करा दो, कोई फैशन नहीं है ये, इतने सिंपल है मेरा। मेरे साथ जो केस हुआ था वो मेरे साथ 2-3 बार हुआ है, तीन बार हुआ है, एक बार प्राइमरी में हुआ है, 2 बार सेकेंडरी में हुआ है। प्राइमरी में मैं एक बार लेट गया था तो वहां पे बाहर मैम ने मेरे को रोका और ये क्या पहना तुमने गले में, मेरे को उस टाइम पे गुस्सा आ गया और मैंने बोल दिया मैम मैम सरदार की पगड़ी उतारवा दो मैं उतार दू। मैम मैम एकदम दिमाग खराब हो गया, क्या बोल रहा लड़का। मैम बोलती क्या है बेटा क्या क्या हो गया तुम्हें। मैं कहा मैम ये मेरा रिलीजियस सिंबल है, वैष्णव हूं मैं, आई कैन फाइट फॉर माय कंट्री, दैट्स ऑल। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लोग पूछ लेते हैं क्या है क्या पहना है क्या मतलब होता है, के बाद फिर मैं पकड़ लेता आओ तुम्हें पकड़ सकता। 6-8-10 लड़के ऑफिस बैठे बड़ों की तक होते ये ऐसे बाबा बाकी तो देखता होते हैं इज्जत सब लेकिन करनी होती है। वैष्णविज्म फैला देते थे फिर प्रचार करते थे इस महान प्रचार या तो अपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी किए होंगे दोनों ने, अपने लोगों को जप करना भी सिखाया होगा, अपना जो महामंत्र आप चांट करते हैं वो भी सिखाया होगा। ट्राई तो किया था सिखाने का लेकिन कुछ लोग नहीं करते। गीता मैराथन में भी पार्ट लिया था कई बार कई साल तक। आप भगवान का कोई ऐसा फॉर्म जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हैं जो आपको आकर्षक लगता है, बहुत आकर्षक? हम दोनों भाइयों का सेम ही है, पता है राम जी है जो हमें बेस्ट लगते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, एकदम आइडियल है, गॉड लाइक है, एकदम राजा किंग। राम जी हो गए और एक वो कृष्ण जी जब पापा बन जाते हैं वो वाली फेज का कि कृष्ण जी के बच्चे या उनके बच्चे किसी को भी ट्रावल होती है तो आगे कौन था ए कौन मारा मेरे बच्चे कौन टच किया मेरे बच्चे को या जाके सबको लाइन में लगा द्वारकाधीश द्वारकाधीश फॉर्म द्वारकाधीश या मेरे को ज्यादा सही लगता है कि जब फादर की फिगर पर रहते जगन्नाथ का भी रूप यहाँ पे मेरे को अच्छा लगता है, जगन्नाथ राजा जैसे होते हैं ना, रेस्पेक्ट जगन्नाथ भी उस सेंस में काफी अच्छा लगता है। तो आप लोग तो बहुत बचपन से ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने भगवत गीता की बहुत सारी बातें पढ़ी सुनी होंगी, तो कोई ऐसी चीज जो भगवत गीता की आपको बहुत ज्यादा टच कर गई ब्रेन में, आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत आप अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, भगवत गीता में कुछ पढ़ा हुआ ऐसा? एक डोमिनेंट जो श्लोक याद आता है वो सर्वधर्मान वाला आता है कि सारे धर्मों को छोड़ के एक बार मेरे पास आ जाओ बाकी मैं देख लूंगा, वो बेस्ट लगता है। आप लोग अपने आध्यात्मिक जीवन में किसको गुरु मान के आगे बढ़ते हैं? हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट देखो आपको ही करते हैं, सबसे ज्यादा आपको ही जानते हैं, आपकी बातें सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं। तो बस कौन सी किताबें आप पढ़ चुके हैं शिल्प अपराध के लिए? पता नहीं आपने जो ट्राई है वो सारे सुनना जो देखो हाँ मेरे मेरा रेट अकाउंट करते हैं तो 1% इंटरेस्ट नहीं है, आपने जो सुनाई है सारी हाँ आपने जितनी सुनाई सब, तो कृष्णा बुक तो पूरा टोटली काउंट कर सकते हैं हम, और भगवद गीता है, भागवतम के बहुत सारे चैप्टर्स हैं,
भक्ति रसामृत सिंधु भी पढ़ के सुनाई है हमें, प्रभुपाद लीलामृत भी पढ़ के सुनाई है। अच्छे लिसनर्स हैं आप लोग, बहुत ज्यादा ही। अच्छा, कुछ जगह पे मैं ऐसा देखती हूँ कि बच्चे रिबेलियन हो जाते हैं कि भक्ति में व्यवहार से उन लोग को अच्छा नहीं लगता है कि मुझे अटेंशन ना देके माँ बाप भक्ति में चले जा रहे हैं, माँ बाप मंदिर पहुंच जा रहे हैं, सैटरडे संडे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, माँ बाप मंदिर में सेवा करने चले जा रहे हैं। तो वो कभी आप लोगों ने वो चीजें फेस की, कभी आप लोग की लाइफ में वो आया समय ऐसा कि आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आपको टाइम कम दिया जा रहा है, भक्ति को ज्यादा दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। हम लोग का जो रिबेलियन था, जो सब बच्चों में होता है कि जब बड़े हो रहे होते हैं तो दो चार चीजें समझ में आने लगती है, तो ये दिखता है कि अच्छा मेरे पास दो चार बातें हैं तर्क देने के लिए, तो तर्क में तर्क होता है, हमें करते हैं बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन वो एज रिबेलियन नहीं होता, वो हमारा तर्क तक शास्त्रार्थ के रूप में हो सकता है। वो रिबेल इज डाइवर्टेड, that rebellion attitude is being diverted क्योंकि वो उन तो सबका बल, तो that is being diverted to constructive work, so that is something good parenting